हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि ओवरलोड रिले और जो हमारा एमसीबी होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ये जो हमारा ओवरलोड रिले होता है और जो हमारा एमसीबी होता है, ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यानी कि दोनों के अंदर में एक बायमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, जब इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से करंट फ्लो होती है तो वो क्या होता है, हीट होता है। दोस्तों, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो अलग अलग धातु का पट्टी लगी होती है। ठीक है, अब इस धातु में से हम करंट को फ्लो करवाते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस धातु में से करंट फ्लो होता है तो ये क्या होता है, हीट होती है। ठीक है, और हीट होने के कारण ये मुड़ जाती है। जैसे ये मुड़ जाती है तो क्या होता है, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा ओवरलोड रिले है और जो एमसीबी है, दोनों इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ देख सकते हैं, हमारा जो एमसीबी होता है ये पूरे पावर सप्लाई को बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि इसके आउटगोइंग में कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो ओवरलोड रिले होता है ये पावर सप्लाई को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, कंट्रोल सप्लाई को ब्रेक करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेकंड डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, इनका सिंबल। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसका सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और जो हमारा एमसीबी होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिंगल पोल एमसीबी का डायग्राम बनाया गया और ये हमारा डबल पोल का एमसीबी का सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि इन दोनों ब्रेकर का प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ तो देखिए, ये जो हमारा ओवरलोड रिले होता है और जो एमसीबी होता है, ये दोनों के दोनों ओवरलोड का प्रोटेक्शन देते हैं। आप यहाँ पर इसके सिंबल के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटेक्शन देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला सिंबल बनाया गया। ठीक है, ये जो सिंबल होता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन का होता है। आप यहाँ पे ये सिंबल देख सकते हैं और एमसीबी के सिंबल में भी आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल दिया गया है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और सिंबल दिया गया है, आई और ग्रेटर देन करके सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है वो होता है सिंगल फेजिंग का सिंबल। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो ओवरलोड रिले होता है उसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं। यहाँ पर हमने आर फेज दे दिया, यहाँ पर वाई फेज और यहाँ पर बी फेज दे दिया। अब दोस्तों, यदि किसी कारण से हमारा जो एक फेज सप्लाई है वो चली जाती है, तो हमारा जो ओवरलोड रिले है वो सिंगल फेजिंग को सेंस कर लेता है और ये क्या करता है, कंट्रोल सप्लाई को बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सप्लाई बंद करने का क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो पावर सर्किट है वो हमेशा कनेक्ट रहता है, किसी भी कारण में ओपन नहीं होता पावर सर्किट। ठीक है, ये केवल कंट्रोल सर्किट को ओपन करता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है एमसीबी में। ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का है, यानी कि हमारा जो एमसीबी है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया रहा है। दोस्तों, यदि किसी कारण से दो फेज का सप्लाई आपस में टच हो जाता है तो ये एमसीबी क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है दोस्तों, ओवरलोड रिले और एमसीबी में एक और अंतर ये होता है कि हमारा जो ओवरलोड रिले होता है उसमें एक रेंज सिलेक्शन स्विच होता है, यानी कि हमारा जो ओवरलोड रिले है उसको कितने एम्पियर पर ट्रिप कराना है उसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसमें 30 से 50 तक का रेंज दिया गया है। ठीक है, हम इनके बीच में किसी भी करंट वैल्यू को सेलेक्ट करके हमारा जो ओवरलोड रिले है उतने एम्पियर पर ट्रिप करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो एमसीबी होता है इसमें हम रेंज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो एमसीबी होता है वो केवल एक करंट वैल्यू पे ट्रिप कराता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एमसीबी है यहाँ पर लिखा हुआ है C32। ठीक है दोस्तों, तो 32 का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ब्रेकर है यानी कि एमसीबी है, ये 32 एम्पियर करंट फ्लो होने पर ही ट्रिप होगा, इससे कम एम्पियर फ्लो होने पर ट्रिप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यदि हमें इसका रेंज चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस एमसीबी को ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारे ओवरलोड रिले में हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमारा जो एमसीबी होता है इसको चालू और बंद करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लीवर होता है उसको हम नीचे कर देते हैं तो ऑफ हो जाती है, और इसको जब ऊपर कर देते हैं तो हमारा जो एमसीबी है वो ऑन हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ओवरलोड रिले है इसमें पावर सप्लाई को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई को ब्रेक करने के लिए हमें इसके साथ साथ एक कॉन्टेक्टर भी यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसके साथ में हमने यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर भी लगाया है। दोस्तों, यदि किसी कारण से हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ओवर करंट को सेंस करता है तो जो हमारा ओवरलोड रिले है वो ट्रिप नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करता है, ये जो ओवरलोड रिले है ये क्या करता है, इसके जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको चेंज करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट लेते हैं। ठीक है, और इस एनसी कॉन्टैक्ट के द्वारा हम कॉन्टैक्टर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओवरलोड सेंस होता है तो ये क्या करता है, एनसी कॉन्टैक्ट एनओ बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही पावर सप्लाई ब्रेक होगा तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम पावर सप्लाई को ब्रेक करने के लिए या फिर चालू करने के लिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है दोस्तों, लेकिन एमसीबी को आप सीधे ही चालू और बंद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरलोड रिले पावर सर्किट को ब्रेक नहीं करता, वो क्या करता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक एनो कॉन्टैक्ट और एक एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट होता है वो 95 नंबर टर्मिनल और 96 नंबर टर्मिनल होता है। ठीक है दोस्तों, और एनो कॉन्टैक्ट 97 नंबर टर्मिनल और 98 नंबर टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर सर्किट है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो ही ब्रेक होगा। दोस्तों ये जो हमारा एमसीबी में किसी प्रकार का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें एमसीबी को लोड के साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के इनपुट में पावर सप्लाई दे देते हैं और आउटपुट से लोड को कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि एमसीबी को बहुत ही आसान तरीके से हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ओवरलोड रिले होता है उसको हमें कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और ओवरलोड रिले का जो आउटगोइंग टर्मिनल होता है उसके साथ हम हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कनेक्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो ओवरलोड रिले को हम मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और एमसीबी को हम घरेलू इस्तेमाल के लिए या फिर कोई ऐसा उपकरण जिसमें हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की इस्तेमाल नहीं करना होता है वहाँ पर हम एमसीबी को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी कारण से हमारा जो ओवरलोड रिले है और एमसीबी है वो ट्रिप हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ओवरलोड रिले है उसको रिसेट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से पुश बटन दिया हुआ था। ठीक है, इस पुश बटन को प्रेस करके हम इस ओवरलोड रिले को रिसेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसमें एक और चीज़ दिया होता है कि इसको रिसेट कैसे करना है, मैनुअली रिसेट करना है या फिर ऑटो रिसेट करना है। यदि हम ऑटो पर सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारा ओवरलोड रिले होता है वो ऑटोमेटिकली रिसेट होता है, यानी कि ट्रिप होने के साथ साथ अपने आप ही रिसेट हो जाता है। लेकिन यदि हम मैनुअल पे कर देंगे तो हमें ये रिसेट पुश बटन को प्रेस करके इसको रिसेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा एमसीबी ट्रिप होता है तो क्या होता है, ये जो लीवर होता है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसको रिसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस लीवर को उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप मार्केट में एमसीबी और ओवरलोड रिले खरीदने जाते हैं तो आपको ओवरलोड रिले महंगा मिलेगा और एमसीबी सस्ता मिल जाती है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो एमसीबी है वो 32 एम्पियर का है। ठीक है, तो यदि आप मार्केट में 32 एम्पियर का एमसीबी खरीदने जाते हैं और ये 32 एम्पियर के रेंज में ओवरलोड रिले खरीदने जाते हैं तो आपको ओवरलोड रिले एमसीबी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो एमसीबी होता है आपको सस्ते में मिल जाती है। दोस्तों मैंने ओवरलोड रिले और एमसीबी में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं उसके बारे में बता दिया हूँ, यदि कोई डिफरेंस छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।